मेरा नाम रमेश तारिक खान है और मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और साथ में एनआईएस क्वालिफाई वॉलीबॉल कोच। तो जैसा कि आजकल कोरोना की लहर चल रही है हर पूरे मुल्क में ना कहेंगे पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है, तो उसको अगर उससे अगर बचना है तो मैक्सिमम हर इंसान की इम्यून सिस्टम जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना वो घर बैठे बैठे स्ट्रांग नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजें करनी पड़ेंगी, प्राणायाम भी होते हैं, कुछ एक्सरसाइजें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो आज हम आपको वही उसमें से ही कुछ एक्सरसाइजों में से थोड़ी दो तीन एक्सरसाइजें आपको बताएंगे और उसके बाद प्राणायाम करके बताएंगे। यही आप अगर 1 घंटा रोज घर में बैठ के करें या कहीं बाहर लॉबी में बैठें या कहीं गार्डन में बैठ के करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और पहली बात तो ये है आपको जो अगर किसी आदमी के साथ कर रहे हैं जैसे मैं अब अपने ट्रेनिंग के साथ कर रहा हूँ तो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो इसलिए अब आपको मैं करके बताऊंगा, यही आप रोज करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। एक्सरसाइज में हम करेंगे जंपिंग साइड बाय साइड, रेडी? 45 सेकेंड आपको करनी है ये। सामने देखना है, बॉडी सामने देखना है, बिल्कुल सीधा एक्सरसाइज है। आपको स्क्वाट करना है विद ड्रॉप के साथ, जैसे अभी मैं करके बताऊंगा, मेरी फ्रेंड भी आपको करके बताएंगे। और हर एक्सरसाइज में आपको 45 सेकंड तक करनी है और उसके बाद 15 सेकंड का इसमें ब्रेक देना है, फिर उसके बाद शुरू करनी है। आप रेपिटेशन बढ़ा भी सकते हैं, अब डिपेंड करता है आपको वो कितना करना चाहते हैं आप। लेकिन इसको करने के लिए नी पेन, जिस जिस बंदे को नी पेन है या फिर हार्ट डिजीज है वो थोड़ा डॉक्टर से पहले सलाह करके उसके बाद वो करें। तो दूसरी एक्सरसाइज में अभी आपको करके बताता हूँ, ड्रॉप स्टॉप। अब तीसरी एक्सरसाइज है जिसमें हमने प्लैंक पोजीशन में आकर साइड बाय साइड शोल्डर पे टैप करना है, तो अभी हम ये आपको करके दिखाएंगे। तो सेम इसमें भी सेम है, 45 सेकंड का करना है और उसके बाद 15 सेकंड आपको ब्रेक देनी है, रिलैक्स करना है यानी कि। तो रेडी, प्लैंक पोजीशन में स्टार्ट, सामने देखना है, ब्रीथ साथ साथ करते रहना है, ब्रीथ नहीं बंद करनी है, इनहेल और एक्सहेल करना ही है, टैप करनी है साइड पे, स्टॉप। प्राणायाम का एक आसन करेंगे जिसे हम कहते हैं कपालभाति। इसमें आपको जो सांस है वो इनहेल करनी है फोर्स के साथ, आपको इनहेल करनी है। तो इसके बाद हम आपको दूसरी एक्सरसाइज बताएंगे लेकिन पहले आपको बता दें कि कपालभाति कैसे करते हैं। रेडी, स्टॉप। दूसरा आसन है जिसको हम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका और कपालभाति सेम ही है लेकिन इसमें हमने जो सांस है वो लेनी भी है और छोड़नी भी है, यानी इनहेल भी करना है और एक्सहेल भी करना है, वो भी साथ साथ एकदम तेजी में। तो अब हम वो करते हैं, ठीक है, रेडी? स्टॉप। जैसा कि आज आपने देखा कि हमारा ये जो सेशन था कि इस ड्यूरिंग कोविड जब पीरियड था, क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं ग्राउंड की वो सब बंद हो चुकी हैं, लिहाजा हमने अपने इम्यून सिस्टम को और अपने यूथ को स्ट्रांग करने के लिए इंडोर घर में ही बैठे बैठे जो एक्सरसाइज हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो, वो हमने शुरू की है। तो
तो आज ये हमारी पहली समझो एक किस्म का आज पहला पीरियड था जिसको हम अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अपने घर में बैठ के भी अगर आप ये एक्सरसाइज आधा आधा घंटा या एक एक घंटा रोज करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जरूर मजबूत होगा, ताकि आप ये जो वबा इस वक्त हमारे मुल्क में फैली हुई है इससे आप बड़ी आसानी से जो है वो लड़ सकते हैं। तो लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश रहेगी कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुख्तलिफ एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो है वो कुछ टाइम पीरियड जो है उसको रिलैक्सेशन देती है, तो मेरी एक सबमिशन है कि अगर वो स्पोर्ट्स के लिए भी शाम को अगर ज्यादा नहीं तो 5 से 7 बजे तक 2 घंटे की अगर रिलैक्सेशन दे, ताकि प्रैक्टिकली लोग जो है वो अपने आप को ग्राउंड में ला के इस अपने इम्यून सिस्टम के लिए कुछ एक्सरसाइज करें और अपने आप को मजबूत बना सकें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी होगा कि अगर स्पोर्ट्स जो है उसको रेगुलराइज किया जाए, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, उसकी जितने भी जो स्पोर्ट्स की अथॉरिटी जो स्पोर्ट्स चलाने वाले लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो SOP को फॉलो करके अगर उसमें रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। और मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की जो SOP की जो एडवाइजरी जो है वो जारी होती है उस पर अमल करें, प्लीज अपने आप को बचाएं और एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करें। और बिलखसूस मैं कहूंगा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, हालांकि हमारे इलाके में तो काफी अच्छी तरह से वैक्सीनेशन जो है लोगों का रिस्पांस है, लेकिन कुछ इलाकों में गलत किस्म की मोटिवेशन है, प्रोपेगेंडा है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अपनी जान की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन कराएं। और बिलखसूस जो अमला मेडिकल का जो अमला अपनी जान को रिस्क पे डाल के आप लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रही है, उनको इनकर्ज कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो हमारी जान बचाने के लिए जिस तरह से अपनी जान को दांव पे लगा के हमारे बीच आते हैं, ताकि उनको किसी किस्म की ये खदशा ना रहे कि हमारे साथ लोग कॉपरेट नहीं कर रहे। हमने देखा है कई जगह पे मेडिकल स्टाफ को जो है लोग कॉपरेट नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए एक मसीहा है, अपनी जान को परवाह किए बिना हमारी जान की हिफाजत के लिए जो है वो एक्टिवेट है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। शुक्रिया।